रोजगार तो कुछ नहीं चल रहा है, कभी 100 कभी 50 ऐसे, कभी आते हैं तो सबको ठेला सब भी तो हटते हैं, दुकान तो बंद हो जाती है, तो वो आफत हो जाए बंद करवा देता है, जो भी जी आते हैं तबे बंद होता है। चुनाव का शोरगुल तो हर जगह देखने को मिल रहा है। इस बीच अयोध्या जो धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है, इस बार यहाँ सीट के लिए कई प्रत्याशियों में जंग भी देखने को मिली। अब यहाँ की जनता का चुनाव को लेकर क्या कहना है, चलिए उनसे ही जानते हैं। चुनाव तो बीजेपी कर रहे हैं जीतेंगे। क्या बीजेपी ने किस तरह क्या किया है आप महिलाओं के लिए, क्या किया है? महिलाओं के लिए तो कुछ नहीं हमको किया है, लेकिन हाँ गैस का दाम में इतना बढ़ा दिया, 1000 रुपया हो गया है। पहले कितने की भरती थी? पहले रहे 500-350 ऐसे आती रही। तो आप किस तरह की दिक्कतें आती हैं उस गैस को भरवाने में, कैसे खाना बनाती हैं आप? गैस पर पेट तो मरने में लाना चाहे, जैसे गरीब आदमी कैसे तो पेट गुजारा करबे करेंगे, लेकिन वही 1000 माते हैं, कुछ कम करते तब ना हम जानते हैं। मुझे हमें यही धनुबिंदी बेचते हैं जी। बताइए क्या माहौल है चुनाव का? अरे चुनाव का क्या बताया जाए, अब देखो जब हम लोगों का कुछ लाभ हो जाए, कुछ आगे हम लोगों को दुकान उकान मिल जाए तो हम लोग भी आगे बताएं कुछ। अभी बेरोजगार हैं? अब भी बेरोजगार तो हो ही गए हैं, देखो दुकान उकान टूट गई हमारी। हाँ। हम बेरोजगार हो गए हैं और हम सोचते हैं कि हमारे अच्छी सरकार आ जाए और हम लोगों की धंधा पानी बढ़िया हो जाए और अच्छा पैसा हम लोग कमाएँ। कमाने खाने से भाई हम लोगों को मतलब है, और किसी से नहीं मतलब है हम लोगों को। कब दुकानें तोड़ दी गई हैं? अरे वही जो जब सबकी टूट रही थी। अच्छा। हाँ मजिस्ट्रेट ने तोड़वाया। कितनी दुकानें यहाँ पे तोड़ी गई हैं? अरे बहुत दुकानें टूट गई, सब टूट गए जितनी थी। नुकसान हुआ है आप लोगों का जब दुकानें टूटी हैं? अरे हमारा तो हुआ है कम से कम 3-4 लाख का नुकसान, ऐसे तो होनी नहीं चाहिए। ऐसे में आपका खर्चा चल जाता है? अब कहाँ से खर्चा चलता है, क्या करें, जो जो पाते हैं वो खा लेते हैं। आपकी क्या उम्मीद है, क्या मांग रख रही है जब कोई आएगा? अब देखो कोई आएगा तो हम बताएंगे, फिर उनसे बात भी करेंगे। क्या मांग रखेंगे, क्या मांगेंगे? अरे हम लोगों को दुकान चाहिए, रहने के लिए ठिकाना हो जाए, ताकि बरसात पानी में गर्मी में धूपे में हम ही लोग तो परेशान होते हैं, तो हम लोगों को मिलनी चाहिए। और अयोध्या में पहले कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ हो गया है। जब से बाबा योगी बाबा आए हैं तब से बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब जनता का कल्याण हो रहा है, इसमें कोई दो शक नहीं है। देखिए जहाँ विकास होगा तो रोजी रोटी छीनेगी, अगर छीनेगी तो उससे और ज़्यादा मिलेगा, दुगना कमाई होगा, लेकिन वो समय बताएगा ना। जहाँ 1000 लोग आते थे वहाँ जब 1 लाख लोग आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक रोजी रोटी बढ़ जाएगी। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक है, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको दूंगा। विकास का सफाई के नाम पे आप सामने देख लीजिए, वो सामने कैमरा करिए, वो सामने देखिए, अगर सफाई के नाम से अगर कह रहे हैं तो देख लीजिए, और भी देखना है तो उधर जाके देख लीजिए। अगर सफाई के नाम से कह रहे हैं भाई साहब, चुनाव का मुद्दा तो भाई बराबर दोनों हैं, अब वो तो वक्त बताएगा 10 मार्च को कौन आता है। अभी तो हम आप कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, साइकिल आएगी और वैसी आएगा, ठीक है हम आप कह रहे हैं, लेकिन 10 मार्च को कौन आएगा वो हकीकत खुद पता चल जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।